हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल डॉक्टर। ये आज मेरे पास है ऑनर 9i, इसका आज हम लोग LCD रिप्लेसमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका LCD रिप्लेस करना है। सबसे पहले इसका फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे, फिर उसका बैक साइड में देखेंगे, नीचे तरफ जहाँ चार्जिंग पोर्ट है उस साइड में दो स्क्रू रहता है, पहले उसको खोलेंगे। इसका सिम ट्रे भी आपको पहले से निकालना है। अब इसको बैक साइड से ओपन करेंगे। ओपनर लेंगे, ये टीन का बॉडी होता है, थोड़ा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है ये टाइट फिट रहता है पूरा, आपको इस तरह धीरे धीरे खोलना है। ये भी ध्यान देना है इसका खोलते टाइम फिंगरप्रिंट ना कटे, इसे आपको धीरे से खोलना है। आप अगर ज़ोर से कवर निकाल दोगे हो सकता है फिंगरप्रिंट कट जाएगा, इस तरह से धीरे से आपको देख के खोलना है। उसके बाद सबसे पहले फिंगरप्रिंट का APC खोलना है, उसके लिए हम लोग को दो स्क्रू खोलना पड़ेगा जो कि उसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये दो स्क्रू पहले खोलेंगे। स्क्रू खुल चुका है, उसका लॉक हटा देंगे। उसके बाद फिंगरप्रिंट APC को वहाँ से रिमूव करेंगे इस तरह से। अब इसको बैक कवर को साइड कर देते हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब बोर्ड को निकालेंगे, उसके लिए सारा स्क्रू खोलना पड़ेगा जितना बोर्ड में लगा हुआ है। अब बैटरी कनेक्टर को निकालेंगे, ये LCD का कनेक्शन है, ये मेन APC का, तीनों को निकाल देंगे। साथ ही साथ इसका एंटीना वायर जो होता है उसको भी निकाल देंगे। अब फिर ऊपर वाला स्क्रू जो है इसको रिमूव खोलेंगे। ये फ्रंट कैमरा में स्क्रू लगा रहता है दो स्क्रू, और ये बैक कैमरा का लॉक है उसका स्क्रू है। एक एक करके सारा रिमूव करेंगे। अब साइड साइड में लॉक रहता है, इसको धीरे धीरे खोलेंगे। फ्रंट कैमरा का लॉक हम लोग को खोलना पड़ेगा, ये फ्रंट कैमरा का लॉक है, इसको रिमूव करेंगे। अब ये मेन बोर्ड निकल जाएगा, ये हम लोग का मेन बोर्ड है, इसको साइड रख देते हैं। अब इसका सब बोर्ड को खोलते हैं।
चिप बोर्ड निकल गया है। अब इसका बैटरी रिमूव करेंगे। पहले बैटरी रिमूव करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एलसीडी को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। मैंने हीट कर लिया था, अब ये रिमूव हो चुका है बैटरी। ये एलसीडी हम लोग का साइड हो गया है, ये ओल्ड एलसीडी है। एंटीना वायर भी निकाल लेंगे, अब इसमें न्यू एलसीडी डालेंगे। इसको साइड कर देते हैं, ये हम लोग का न्यू एलसीडी है। अब इसमें सारा पार्ट फिर से इंस्टॉल करेंगे एक एक करके।